हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का 7th वीडियो है। इससे पहले हमने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उन 6 वीडियो को देख ले, ताकि आपको जो भी चीजें इस वीडियो में आज बताई जाएगी और पहले बताई जा चुकी है उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का 7th वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज आर्ट, यानी कला क्या है, और फिर मैनेजमेंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आर्ट के रूप में और देखेंगे मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे साइंस के बारे में और मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किए थे साइंस के रूप में, तो क्या कंक्लूजन निकला था? मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन 100% साइंस नहीं है। आज हम लोग कला यानी आर्ट के बारे में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज आर्ट? डिफाइन ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, यानी कला क्या है, प्रबंध को कला के रूप में परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कला क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे एज ए आर्ट के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं आर्ट क्या है। आर्ट रिफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी अगर इसका हिंदी देखें तो क्या होगा, कला से अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग से है। यानी कह सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीजों से रिलेटेड अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे। और साइंस में हम लोग क्या देख रहे थे, थ्योरेटिकल नॉलेज को। थ्योरेटिकल नॉलेज को अगर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीजों से रिलेटेड तो उसे हम लोग साइंस बोलते हैं। ठीक है, और जब प्रैक्टिकल नॉलेज को लेंगे तो उसे हम लोग आर्ट बोलेंगे। जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक व्यक्ति जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज को लेता है। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप लेता है। ठीक है, और जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद या पढ़ाई करने के दौरान वह व्यक्ति जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है कहीं ट्रेनिंग में जाता है या काम करने के लिए जाता है या कोर्स पूरा हो जाने के बाद नौकरी करता है, तो इस प्रकार से उसका काम करना क्या कहलाता है, आर्ट यानी कला। या हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी काम को प्रैक्टिकल रूप में करना यानी काम को करके दिखाना क्या कहलाता है, कला यानी आर्ट कहलाता है। और उस काम के बारे में पढ़ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ना, कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे आर्ट यानी कला क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे मैनेजमेंट को एज आर्ट के रूप में, यानी एक्सप्लेन करेंगे मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्ट यानी कला की कुछ विशेषताएं हैं यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट को मैनेजमेंट में लागू करके देखना पड़ेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, साइंस का जो करैक्टरिस्टिक्स है उसे मैनेजमेंट में लागू करके देखे थे, तो क्या हुआ था, मैनेजमेंट जो है साइंस है लेकिन 100% साइंस नहीं है। तो इसी प्रकार से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट यानी कला की विशेषताओं को मैनेजमेंट में लागू करके देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो कला है या नहीं, यानी मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है आर्ट का, क्या है चलिए देखते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी सैद्धांतिक ज्ञान का होना।
सैद्धांतिक ज्ञान का होना, यानी सैद्धांतिक ज्ञान कहाँ होती है, साइंस में होती है और आर्ट में भी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल कामों को करने से पहले मुझे उस विषय में, उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में या उस चीज के बारे में जहां हम काम करना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को लेना पड़ेगा। जब थ्योरेटिकल नॉलेज को यानी सैद्धांतिक ज्ञान को हम ले लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, नॉलेज लेते हैं कि कैसे कैसे काम होगा, उसके बाद ही हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं अगर होगा तो क्या होगा, प्रैक्टिकल वर्क भी हमारा ठीक ठाक से नहीं होगा या बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आर्ट में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, और मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, यानी किसी भी चीज में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, तो मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो इस करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट एक क्या है, आर्ट है, यानी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट आर्ट है। अब चलिए देखते हैं सेकंड में क्या है, सेकंड करैक्टरिस्टिक्स क्या है आर्ट्स का, चलिए देखते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, यानी कहने का मतलब जो है आर्ट यानी कला, कला का प्रयोग जो है किस प्रकार किया जाता है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार प्रयोग या उपयोग यानी यूज किया जाता है। जैसे दो सिंगर हैं, दो डांसर हैं, दो इंजीनियर हैं, दो एडवोकेट हैं, दो टीचर हैं, तो सभी का जो है अपना क्या होगा, कला का प्रदर्शन यानी एग्जीबिशन ऑफ आर्ट का तरीका अलग अलग हो सकता है, यानी सभी जो है अपने अपने कामों को अलग अलग ढंग से करेंगे। यानी दो डॉक्टर जो है, उन दोनों डॉक्टर का काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, काम करने का स्पीड, काम करने का अनुभव अलग अलग हो सकता है। दो खिलाड़ी जो है, खेलने का तरीका दोनों का अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कला का प्रयोग व्यक्तिगत योग्यता अनुसार किया जाता है, और प्रबंध यानी मैनेजमेंट में भी यही होता है। मैनेजमेंट का काम हर व्यक्ति जो है नहीं कर सकता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट का काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट का काम कर तो लेते हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यानी दोनों का अपना अपना जो है अनुभव है, अपना अपना योग्यता है, ठीक है, उसके अनुसार जो है मैनेजमेंट का काम होता है। तो इस करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यानी आर्ट का सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स जो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसमें हम लोग क्या देखें कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक आर्ट है, यानी इसके अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट एक आर्ट है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर में, देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट क्या बताता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, यानी कहने का मतलब आर्ट क्या है, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक काम को करना, प्रैक्टिकल नॉलेज को लेना आर्ट कहलाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज को लेना साइंस कहलाता है, और थ्योरेटिकल नॉलेज को लेने के बाद जब उसे हम प्रैक्टिकल रूप में करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे। यानी व्यवहार एवं रचना, रचना कहने का मतलब क्रिएटिविटी, यानी कितना जो है क्रिएट कर सकते हैं चीजों को, कितना हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो आर्ट है वो किस प्रकार का है, किस बेस पर होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कहने का मतलब जो है व्यवहार में लाना होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित होती है। तो मैनेजमेंट को अगर देखें तो मैनेजमेंट में भी सेम यही चीजें होती है। मैनेजमेंट का काम जो है मुझे व्यवहार में लाना पड़ता है, रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है, तभी मैनेजमेंट का काम जो है बढ़िया से होती है, यानी अच्छे से होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब इस करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट एक आर्ट है।
यानी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का काम करना 100% आर्ट के अंतर्गत आता है, यानी मैनेजमेंट 100% आर्ट है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस को देखा था, मैनेजमेंट साइंस है लेकिन 100% साइंस नहीं है, और अगर आर्ट का बात करें तो मैनेजमेंट 100% आर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज आर्ट, यानी आर्ट क्या है, और डिफाइंड ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, यानी मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में जो डिफाइन किया गया उसे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स अकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है जिसमें बताई गई है कि कैसे आप पीडीएफ फाइल नोट्स को ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पीडीएफ फाइल नोट्स ऐसी है और व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए है, डाउट एंड कंफ्यूजन क्लियर के लिए। तो पीडीएफ फाइल और व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ले लेते हैं तो ना ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नई चीजों को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।